निरसा, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत विभिन्न मांगों को लेकर हाईवा मालिकों कोयला ट्रांसपोर्टिंग को ठप्प कर दिया। निरसा के मोहता डी के समीप यूसीसी नरेश कुमार एवं एकेएल लॉजिस्टिक के खिलाफ हाईवा मालिकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हाईवा मालिक सह आम हाईवा ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिराम अग्रवाल ने बताया कि पिछले लगभग 10 वर्षों से हम एमपीएल के अंतर्गत अपने हाईवा का परिवहन करते आ रहे हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक एमपीएल प्रबंधन एवं ट्रांसपोर्टरों द्वारा केवल हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। आज डीजल का मूल्य कितना अधिक हो गया है, लेकिन हमारे भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उल्टा भाड़ा बढ़ाने की जगह भाड़ा घटाया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए रविवार की सुबह 9 बजे से एकेएल लॉजिस्टिक एवं नरेश कुमार कंपनी का लोड लेकर एमपीएल के अंतर्गत चलने वाले हाईवा का ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया गया है। पूर्व विधायक अरुण चटर्जी के नेतृत्व में किया गया है आम हाईवा ओनर के द्वारा। क्या ये पूर्व में विगत 10 वर्षों से जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें किसी किस्म का भाड़ा का बढ़ोतरी नहीं किया गया है, और आका लॉजिस्टिक और ब्लॉक माइंस का नरेश कुमार, ये लोग मार्ग चेंज करने के एवज में भाड़ा का कटौती कर रहे हैं और नया नया साइड चालू किए हैं, जो हम लोग से बात नहीं किए हैं, और किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा नहीं दे रहे हैं, अपना मनमानी ढंग से भाड़ा दे रहे हैं। जब तक ट्रांसपोर्टर हम लोग से वार्ता नहीं करता है और किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा नहीं देता है, तब तक ये बंदी जारी रहेगी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।